क्रेडिट कार्ड का बिल पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जब आरबीआई का इसके ऊपर अपडेट आया तो काफी यूजर्स जो हैं परेशान हो गए थे कि वे जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से बैंक अभी सपोर्ट कर रहे हैं जिसका बिल आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम जो है टोटल 8 बैंक ही लिस्टेड थी भारत बिल पेमेंट पर, क्योंकि जो बैंक भारत बिल पेमेंट पर लिस्टेड है उनका ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर पा रहे थे या अभी भी कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप बिल पे करोगे तो सक्सेसफुली नहीं होगा। सक्सेसफुली हो रहा था, उन बैंकों का भी सक्सेसफुल हो रहा था जो अभी तक भारत बिल पेमेंट पर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि जिन एप्लीकेशन का यूज करके आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे थे वे IMPS के थ्रू जो है आपके क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट सेटलमेंट कर रहे थे, और अभी भी आप उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का बिल पे जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर ही रहे होंगे। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि कौन कौन से और बैंक जो है भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर हो चुके हैं, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम वैसे बैंक भी लिस्टेड नहीं थे जो इंडिया के लीडिंग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे काफी सारे बैंक थे जिनका मार्केट शेयर इंडिया में सबसे ज्यादा है क्रेडिट कार्ड इशू करने में। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको कुछ बैंकों के नाम बताए थे, क्योंकि उस टाइम तक 15 बैंक लिस्ट हो चुके थे भारत बिल पेमेंट सर्विस पर। तो उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का बिल पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी करते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो भारत बिल पेमेंट के थ्रू ही आपके क्रेडिट कार्ड में बिल को सेटल कर रहे थे। तो उस वक्त कुछ पॉपुलर बैंक जैसे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का नाम सामने आया था कि ये भी जो है भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर हो चुके हैं। और उस वीडियो के नीचे मुझे एक बैंक का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि ये बैंक कब जाकर लिस्टेड होगी भारत बिल पेमेंट, ताकि हम जो है इस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर पाए। वो बैंक कौन सा है अभी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्या आप भी वेट कर रहे थे इस बैंक के भारत बिल पेमेंट में लिस्ट होने का, ये भी आप हमें जरूर से बता दीजिएगा। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, क्योंकि अब जो है एक्सिस बैंक भी भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर हो चुकी है। अब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे इजिली कर पाएंगे और 100% सेटलमेंट हो जाएगा, और अभी भारत बिल पेमेंट सर्विस के थ्रू होगा। पहले क्या होता था, बिल पेमेंट तो आप कर रहे थे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रिस्क भी था कि कहीं आपका पेमेंट स्टक ना हो जाए, फेल्ड ना हो जाए, बट ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था। सेटलमेंट कर दे रहे थे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी IMPS के थ्रू पेमेंट करके, बट अब IMPS के थ्रू पेमेंट नहीं होगा, अब भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर हो चुकी है, तो डायरेक्टली इसके थ्रू ही आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हुआ करेगा किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके अगर आप बिल पेमेंट करते भी हो तो। सो एक न्यू एंड गुड अपडेट आया जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया। और इसके अलावा अभी आप और कौन से बैंक के भारत बिल पेमेंट में रजिस्टर होने का वेट कर रहे हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे ही वो लिस्ट हो जाता है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। एंड जुलाई मंथ में कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड अभी ज्यादातर अप्रूव हो रहे हैं विदाउट इनकम प्रूफ, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। उन क्रेडिट कार्ड का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो अभी ज्यादातर अप्रूव हो रहे हैं विदाउट इनकम प्रूफ के, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।